जो दहेज लेंगे उन्हें भी हम लोग मना करेंगे। जैसा कि हम आज सभी लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म बाल विवाह दहेज प्रथा को आज से पूरी तरह बंद करेंगे और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष को कम उम्र की लड़कियों आज का कार्यक्रम है। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज एक आह्वान दिए हैं पूरे बिहार को, जनता को, दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए। इसमें उनको हाथ को मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमारे बाढ़वासर की जनता, महिलाएं, पुरुषों ने उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए ये संकल्प लिए हैं कि ना तो बाल विवाह, जो भी 18 साल से कम उम्र की लड़की है, 21 साल से कम उम्र के लड़का है, उनको हम लोग रोकेंगे और ना तो दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इसका भी हम लोग उनके साथ हाथ मिला के शपथ लिए हैं ताकि हमारे बिहार की हर जनता इस आवाज़ को समझें, अपनी आवाज़ को पहचानें। और 2 अक्टूबर है गांधी जयंती का जन्मदिन है गांधी जी का, इसलिए उनका एक सपना था स्वच्छ भारत। इसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों से एक स्वच्छता अभियान चलाए थे, जिसमें 2 अक्टूबर का उनका एक सपना था कि पूरा भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो। मैं बाढ़वासर की जनता की तरफ से, पूरा बिहार वासियों को यह आह्वान करता हूं कि आप जिस तरह से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हर उपाय करते हैं, उसी तरह से अपने घर, मोहल्ले, सभी जगह स्वच्छ रखने का आगे का कदम बढ़ाए। आज कहाँ स्वच्छता अभियान? आज हम लोग गौरीशंकर मंदिर से मंगल तालाब तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। महात्मा गांधी।